तो नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन एंड हेल्थ टिप्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसे कि नवरात्रों में खेतरी उगाते हैं, तो उसको कैसे उगाना जान लेते हैं। आइए जानते हैं माता रानी की बढ़िया खेतरी कैसे उगाए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और 10 तारीख से नवरात्र आने वाले हैं। सभी भाई बहनों को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और माता रानी आपके घर में खुशियां लेकर आई। आइए जानते हैं खेतरी कैसे उगाते हैं। कई भाई बहनों की शिकायत होती है कि हमारे घर में खेतरी उगती नहीं। अगर उगती है तो बहुत ही छोटी छोटी उगती है। इसलिए उगाने का तरीका जानिए कैसे उगाते हैं। ये देखिए, कोई भी मिट्टी का बर्तन लीजिए, नया लाइए। अगर पुराना है तो उसको धोकर अच्छे से साफ कीजिए। और ये देखिए, ऐसी उसमें मिट्टी डालनी है। मिट्टी बारीक होनी चाहिए, मोटी मोटी नहीं। अगर मोटी है तो उसको ऐसे बारीक कीजिए, और मिट्टी को ज़्यादा दबाना नहीं, ऐसे हल्का हल्का ही डालना है। इसके बाद ये देखिए जौ। जौ को क्या करना है, जैसे ही जब भी आप खेतरी उगाना चाहते हैं, 2 घंटा पहले पानी में भिगोइए। ये देखिए, इनको पानी में भिगो देते हैं। 2 घंटा भिगोना, 2 घंटा भिगोने के बाद इनको उगाते हैं। ये देखिए, 2 घंटा बाद पानी निकाल देते हैं। ऐसी पानी में इसलिए भिगोते हैं ताकि थोड़ा फूल जाए। अब इनको मिट्टी के ऊपर ऐसे फैला देते हैं। मिट्टी में दबाना नहीं है। कई भाई बहन क्या करते हैं, मिट्टी में ऐसे मिला देते हैं, इसलिए खेतरी अच्छी नहीं उगती। ऐसे फैलाना, ऐसे फैलाने के बाद अब इसके ऊपर बारीक मिट्टी ऐसे ढक देते हैं। दबाना नहीं है, ऐसे ढकना है, जो दिखने नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे मिट्टी से ढकने के बाद इसके ऊपर पानी का थोड़ा छिड़काव कर देते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना, ऐसे हल्का हल्का पानी डालना। पानी डालने के बाद इसको अखबार से ढक देते हैं 1 दिन के लिए। और देखिए, ऐसे ढकना अखबार से, और आपकी खेतरी बहुत ही अच्छी उगेगी। और अंत में एक बार नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इसमें सिर्फ पानी छिड़काव करना है, ज़्यादा पानी डुबोना नहीं। जय माता। दोस्तों, अखबार सिर्फ 1 ही दिन ढकना है, उसके बाद अखबार हटा देना है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता। दोस्तों।